लड़की वाला प्रोटेस्ट जी जो हरप्रीत कुड़ी आ लॉ डिपार्टमेंट रिसर्च स्कॉलर उन्होंने थप्पड़ वजह से तुम उस प्रोटेस्ट शामिल से यह दोष है मेरे उस सिक्योरिटी गार्डा ने माफ़ी मंगी असी गलती की असं खलोते दूजा असी लाइब्रेरी दिया कुछ मंगा लैके गए से जिमें कि लाइब्रेरी से 70 लाइटा बंद पो चालू कीतिया जा दूजा रीडिंग हॉल का एक सजड़ा एक साल हो गया बंद पाया उन्होंने खोलिया जाए वो नहीं खोल रहे पर विद्यार्थियों के मसले की हैं मंगा की उन्होंने चाहिए की आ उन्होंने वाले ना कोई ध्यान नहीं आ हर साल फीसा वधाते हैं। हंगामे दीआं तस्वीरां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे बाहर दीआं ने जिथे कि विद्यार्थी किसान पुलिस प्रशासन दे नाल आमो सामने हो गए। यह मामला जिहड़ा पीएचडी दे विद्यार्थी विजय दे हक विच है जिथे कि रोस प्रदर्शन उसके हक विच कीता गया। हुण तुसीं सोचोगे कि मामला की है, मामला भी तुहानूं पूरा समझाउने आ। दरअसल पटियाला विखे यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन तो बाद हुण अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बाहर विद्यार्थियों वल्लों अते किसानां वल्लों रोस प्रदर्शन किया गया। इस रोस प्रदर्शन नूं रोकण दे लई वड्डी गिणती विच पुलिस फोर्स भी लगाई गई। जी हाँ, किसान जथेबंदियों वालों तो विद्यार्थियों वालों पुलिस वालों लगाई गई एक बैरीगेडिंग तोड़ दिता गया। इस दौरान पत्रकारों के नाल गलबात करदे विद्यार्थियों ने दस्सिया कि पिछले कुछ दिन पहला यूनिवर्सिटी के वालों एक विद्यार्थी के उपर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिता सी, जिसके बाद पीएचडी के विद्यार्थी ने उसका कारण पूछा। इसका कारण पूछे जाने ही यूनिवर्सिटी ने उस विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी विचों बैन कर दिया, जिसके विरोध में हुण वख-वख जथेबंदियों ते स्टूडेंटा वालों रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि पीएचडी के विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी के विच आने की आग्या दी जाए और जो जुर्माना लगाया उसे वापस किया जाए। मेरी इतने कैंपस से जी एंट्री बैन कर दी गई है, जी मेरी पीएचडी सी फुल टाइम उन्होंने पार्ट टाइम से कन्वर्ट कर दिया गया। मेरे से जे अनुशासन कमेटी वालों दोष लाए गए वो ये भी तुम जे लड़की वाला प्रोटेस्ट से जो हरप्रीत कुड़ी आ लॉ डिपार्टमेंट रिसर्च स्कॉलर उन्होंने थप्पड़ वजह से तुम उस प्रोटेस्ट शामिल से यह दोष है मेरे से भी गलत के खिलाफ बोलना गलत आ। असी उस भैन गलत होया सिक्योरिटी गार्ड थप्पड़ मार लिया असी उधर कट्ठे होए उस सिक्योरिटी गार्ड ने माफ़ी मंगी असी गलती की असी उन्हें खलोते दूजा असी लाइब्रेरी दिया कुछ मंगा लैके गए से जिमें कि लाइब्रेरी से 70 लाइटा बंद पो चालू कीतिया जा दूसरी गल आ भी लाइब्रेरी के अंदर जनरेटर की जनरेटर का प्रबंध हो इतने बार बार घंटे बाद इलैक्ट्रिसिटी के कट लगते हैं। दूजा रीडिंग हॉल का एक सजड़ा एक साल हो गया बंद पाया उन्होंने खोलिया जाए वो नहीं खोल रहे। इन्ना को फाउंटेन बनाने लिए पैसे है जो गवर्नर या सीएम ने आना मेन गेट गेट बनाने लिए पैसे है जो तोड़ के बनाया गया वापस, पर विद्यार्थियों के मसले की हैं मंगा की उन्होंने चाहिए की आ उन्होंने वाले ना कोई ध्यान नहीं आ हर साल फीसा वधाते हैं। मेरी मेन मंग जो मेरे खिलाफ तानाशाही फरमान है वो वापस लिया जाए तो एक जी साथी है साड़ी तानी आ लॉ डिपार्टमेंट की आते तो 10,000 फाइन पाया गया वो भी प्रोटेस्ट शामिल से तो वो वापस लिया जाए तो जी लाइब्रेरी दी मंगा रीडिंग हॉल दी मंगा वा वो सारी मनिया जा। हाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन मतलब कि सुनती नहीं गल उन्होंने खिलाफ हो जाती है उन्होंने पिछले CID लाई जाती है पुलिस लाई जाती है घर फोन किए जाते हैं ये कहें भारत जो सब तो जमहूरीत जरा वा देश आ पर कहदा देश आ असं इतने गलबात सुनाने लिए आया जिन्हें असी नहीं है उन्नी सारी पुलिस खलोती है तो सिक्योरिटी गार्ड खलोते हैं। धक्केशाही काफ़ी की है गाला कड़िया गई औरतों जे जे मेल पुलिस से उन्होंने वालों धक्का मुक्की की गई है। साढ़े हक जैसे किसान जथेबंदियां आई वा ठीक है तो वो कह रही वा किसान जथेबंद कह रही जे मसला हल नहीं होता तो इतने पक्का मोर्चा ले जाएगा दिन रात बाकी विद्यार्थी ने डराया बहुत होया हरेक के घर फोन किए जा रहे जिथे सद्दा लाने उन्होंने ही कह रहे तुम प्रोटेस्ट शामिल हो कल एंट्री बैन है कल ताकि एंट्री बैन करा। संयुक्त किसान मोर्चे के किसानों ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विद्यार्थियों की मंगा ना मनिया तो पूरे संयुक्त किसान मोर्चे नूं कॉल देंगे पंजाब के वख-वख थावां दे उपर तिखे संघर्ष विढ़े जाएंगे।